हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरपीएफ एंड सैलरी ट्रेड्समैन 2019 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना देनी है, इसलिए मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया बनाया। अब सूचना क्या है तो दोस्तों, आपको बता दें, आपने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा होगा, करीबन 2 से 3 घंटे पहले। कौन सा वीडियो दोस्तों? मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें आकाश की एक प्रॉब्लम थी कि सर उसने बताया था कि उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उसके कट ऑफ से, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा वो वीडियो, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैंने उस वीडियो को हटा दिया है। अब इसका रीजन क्या है तो दोस्तों, इसका एक एंड ओनली एकमात्र रीजन है क्या तो दोस्तों, रीजन यही है कि गलत संदेश ना पहुंचे। फ्रेंड्स, जब से मैंने वो वीडियो पब्लिक किया है, मेरे पास एक भाई का कॉल आया जिनका नाम है क्या, सुशील गौरा। सुशील गौरा जी जो कि राजस्थान की सीकर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मेरे को एक बात की और मेरे को वो उचित भी लगी। क्या बोला कि सर आपने वीडियो पब्लिक कर दिया, आकाश की प्रॉब्लम है कि हाँ मार्क्स ज़्यादा हैं उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक जैसे लोग नहीं है, यहाँ पर कुछ थोड़े कम समझदार हैं, कुछ ज़्यादा समझदार हैं। आपने बोल दिया कि मार्क्स ज्यादा हैं उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे भी जो ज्यादा अवेयर या फिर ऐसे जागरूक नहीं होते, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, थोड़े कम बुद्धि के होते हैं, तो वो ऐसा समझ लेंगे कि इसमें 100% फर्जीवाड़ा हुआ है। बल्कि मैंने ऐसा 100% फर्जीवाड़ा हुआ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने ये बोला है जब तक कि आप लोगों को रिस्पांस वहां से नहीं मिल जाता, आप लोग संतुष्ट यदि नहीं होते, तो फिर आप आगे इसमें एक्शन ले सकते हैं, वरना यदि जब तक प्रूफ नहीं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा होगा, भाई आकाश ने सब कुछ बताया है, आईटीआई बताया है, लेकिन उसने अभी यह नहीं पूछा कि सर क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है। वहाँ से वो रीजन पूछेगा, देन उसके पास क्या रिस्पांस आता है, उसको रिस्पांस पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, उसके बेसिस पे फिर हम बोल सकते हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो हम सिर्फ उसने क्या बोला था, सर मेरे मार्क्स कितने हैं, तो इस मार्क्स में उसको बताया गया है कि आपके टेट टेस्ट में मार्क्स इतने हैं और आपके सीबीटी में मार्क्स इतने हैं। इसके बाद हमने उसको कंपेयर कर लिया कि इसके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन और क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं यह हमको अभी आरटीआई के द्वारा पता नहीं चला। हालांकि आकाश से बात करने के बाद ऐसा सीधा सीधा खुल गया है कि उसने बोला है सर मैंने बाकायदा सेंट्रल का कॉस्ट सर्टिफिकेट लगाया है, मेरे यहाँ पे किसी भी प्रकार की यूआर की पोस्ट नहीं थी, तो मैंने ओबीसी से अप्लाई किया था, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम 100% इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमको वहां से उनकी तरफ से कोई रिस्पांस ऐसा नहीं आया कि आपका इस रीजन बस सिलेक्शन रुका हुआ है, इसकी वजह से आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है इतने मार्क्स लाने के बाद भी। अब हम संतुष्ट 100% कब होंगे, जब वो आरटीआई लगा देगा क्या कि सर मेरे सिलेक्ट ना होने का रीजन बताएं, मेरे मार्क्स इतने इतने हैं, आपने आरटीआई के द्वारा मेरे मार्क्स खुद बताए हैं कि आपके मार्क्स यहाँ पर 38 हो रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद और 25 हैं आपके मार्क्स कितने टेस्ट में, इस प्रकार से आपके 63 मार्क्स हो रहे हैं और आपका सिलेक्शन इस रीजन बस नहीं हुआ, तब दोस्तों हम मान लेंगे कि हाँ यहाँ पर इन्होंने रीजन बता दिया है कि सिलेक्ट ना होने का रीजन क्या है। लेकिन इससे पहले वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता, हम पूछते नहीं हैं और डायरेक्टली उन पे ऐसा आरोप लगा दें कि यहाँ पे फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ पे करप्शन हुआ है, तो दोस्तों एक प्रकार से गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यहाँ पर हम गलत समझ सकते हैं क्योंकि किसी की छवि धूमिल हो सकती है डायरेक्टली किसी के ऊपर ऐसा आरोप लगा दें। और दोस्तों हालांकि मैंने उस वीडियो में बिल्कुल भी डायरेक्टली नहीं बोला कि यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है ऐसा डायरेक्टली, आप शुरू से लेकर अंत तक उस वीडियो को देख लेना, आपको नहीं बोला। लेकिन कुछ लोग जो कम समझदार होते हैं शायद उसका गलत मतलब निकाल लें। जी हाँ दोस्तों, शायद यदि ऐसे गलत मतलब निकाल लें तो दोस्तों यह गलत संदेश वहां तक पहुंच जाएगा। बस इसी रीजन बस मैंने उस वीडियो को अभी फिलहाल में प्राइवेट कर दिया है। जैसे ही वहां से रिस्पॉन्स आता है, हाँ रिस्पॉन्स यदि पॉजिटिव आता है कि भाई को पता चल जाता है उसका रीजन क्या है सिलेक्ट ना होने का,
तो फिर कोई बात नहीं, वरना आप आगे एक्शन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा है आपका, तो फिर आप बिल्कुल बाकायदा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले जब तक आपको वहाँ से 100% संतुष्टि नहीं मिलती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हम किसी के बारे में अभी कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए दोस्तों मैंने उस वीडियो को अभी क्या हटा दिया है ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की गलत सहमी ना हो, किसी भी प्रकार का किसी की छवि पर असर ना पड़े और ऐसा ना लगे कि बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है ना। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना और देनी है, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया। अब सूचना क्या देनी है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा बहुत से कैंडिडेट ऐसे कमेंट मेरे पास कर भी रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स 40 से अबव आ रहा है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मेरे मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मात्र आपके कहने से हम यह नहीं मान सकते कि आपका बिल्कुल 45% ही मार्क्स है। अब आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग को अपने मार्क्स चेक करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग को अपने मार्क्स चेक करना होगा। और मार्क्स चेक करने का, नंबर चेक करने का एकमात्र ओनली तरीका है क्या, उसका नाम है दोस्तों RTI। जी हाँ दोस्तों, RTI के द्वारा ही आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं कि आपको CBT में कितने मार्क्स मिले हैं, टेट टेस्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इन तीनों के मार्क्स चेक करना है और आपका सिलेक्शन किस रीजन बस नहीं हुआ यह चेक करना है, तो इसका एक जवाब है क्या, RTI। आप दोस्तों RTI लगाइए बाकायदा। जी हाँ दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल RTI लगाने के लिए। यह एक्ट आपकी हेल्प करने के लिए बना है ताकि दोस्तों पारदर्शिता बनी रहे सरकारी विभाग और कर्मचारियों के बीच। तो फ्रेंड्स आप बाकायदा RTI लगाएं। अब ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम RTI कैसे लगाएं, तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोगों को इसकी साइट पर जाना होगा। आप किसी की भी वीडियो वॉच कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगी RTI कैसे लगाएं, अकाउंट कैसे क्रिएट करें। फ्रेंड्स सबसे पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, देन इसके बाद क्या होगा, आपके RTI लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें जो भी क्वेरी लिखें, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, आप बिल्कुल अपना मैटर तैयार कर लें कि मेरी जे जे डिटेल से मुझे मार्क्स चेक करना है मेरे, कि कितने CBT में है, कितने मेरे मार्क्स टेट टेस्ट में है और कितने नॉर्मलाइजेशन के बाद हुए है ना। और आप यह भी पूछ लें कि सर मेरा सिलेक्शन किस रीजन बस नहीं हुआ है। इतना सब पूछने के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स करीबन 10 से 15 या कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं आएगा। और यदि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं तो कोई फिर बात ही नहीं एक्शन आगे लेने की। और यदि आप बिल्कुल संतुष्ट हो ही नहीं रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स आपके कट ऑफ से ज़्यादा जा रहे हैं, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप बाकायदा 100%, जी हाँ दोस्तों 100% एक्शन ले सकते हैं आगे किसी भी प्रकार का। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं आपके कट ऑफ से उनके रीजन बताने के बाद भी, तो आप एक्शन के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम किसी भी जानकारी को दोस्तों इस प्रकार से पेश नहीं कर सकते जिससे कि गलत इफेक्ट पड़े। कहने का मतलब ये है, वह वीडियो अभी प्राइवेट ही रहने दो, हटा ही दी है क्योंकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि फर्जी बाड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईमानदार बच्चे भी बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं और सभी ईमानदार हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आप बाकायदा पहले RTI के द्वारा अपना जवाब लें, फिर आप आगे की प्रोसेस बढ़ाएं। इससे पहले हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है, आप RTI के द्वारा वहाँ से आंसर मांगें कि सर क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, यदि वहाँ से बिल्कुल रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलता है कि जिसमें पता चल रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, तो आप 100% फिर एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी भी प्रकार की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जिन जिन को मार्क्स चेक करना है आप प्लीज़ RTI ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप पास हैं, फेल हैं, कुछ भी हैं, 10 रुपये मायने नहीं रखता, आपके 10 ही रुपये लगेंगे RTI लगाने के, जिसमें आपको इतनी मेहनत की है, आपने सब कुछ किया है, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए ना कि आखिरकार मार्क्स कितने हैं मेरे, CBT के, टेट टेस्ट के, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा सिर्फ मात्र एक RTI के द्वारा।
तो फ्रेंड्स वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।